करो, बंद करो मुंह, दांत से दांत बंद करो। हाँ करो, हाँ करो, और जोर से हाँ करो, और जोर से हाँ करो। ठीक है, मुंह बंद करो और ढीला छोड़ो, लाइट ऑफ। ठीक है, सो आज आप तो ऑपरेशन करने वाले हैं एंटीरियर मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन, बराबर। तो आपके मुंह में हमने एक स्क्रू लगाया है, बराबर, मतलब डिस्ट्रैक्टर डिवाइस लगाया है, ठीक है। और अभी हम आज सर्जरी करेंगे। ये सर्जरी क्यों कर रहे हैं, जैसे पहले भी समझाया था कि आपका थोड़ा सा नीचे का जबड़ा आगे से है, ऊपर का जबड़ा थोड़ा अंदर से है। ये देखेंगे तो ये बाहर से निकला हुआ है, ये थोड़ा दबा हुआ है, मार्जिनल डिस्क्रिपेंसी है, बराबर। उसके अलावा जो दांत है वो काफी टेढ़े मेढ़े है, तो वो सबको एक लाइन में करने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा स्पीच भी काफी अच्छा है, ठीक है, तो इसलिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि हमको बेनिफिट्स ज्यादा और जो कॉम्प्लिकेशंस है या जो भी नुकसान है वो थोड़ा सा कम रहे, ठीक है। सो सर्जरी में हम क्या करेंगे, मुंह के अंदर से यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा के ऊपर का जो बोन है उसको ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो हमने बैंड लगाया है दांतों में, वो दोनों बैंड के बीच में ऐसे वर्टिकल कर देंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ताकि ऊपर का जो आगे का जबड़ा है वो फ्री हो जाए, बराबर। उसके बाद हम स्टिचेस लेके उसको बंद कर देंगे। ऑपरेशन में करीबन 1 घंटे जितना टाइम लगेगा, सिंपल ऑपरेशन है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। और कल आपको छुट्टी भी दे देंगे, थोड़ा सा स्वेलिंग रहेगा फेस के ऊपर, 2-3 दिन में स्वेलिंग चला जाएगा। फिर 5 दिन के बाद हम वो स्क्रू को घुमाना चालू करेंगे, ठीक है। तो हर रोज आपको 4 टर्न उसको घुमाना है, जिससे जो जबड़ा है वो धीमे धीमे करके आगे आएगा। आपका केस बहुत ही माइल्ड है तो हम 5 या 6 मिलीमीटर तक ही जाएंगे, ठीक है, हमको ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत नहीं है, बराबर। बट इनिशियली हो सकता है कि ये जो फेस है वो थोड़ा सा ज्यादा आगे लगे, क्योंकि हमको थोड़ा ओवर करेक्शन भी करना पड़ता है, ठीक है। पर जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे दांतों का अलाइनमेंट होगा, तो पूरा जो फेस है वो लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सिंपल चीज है, कोई भी इतना मेजर पेन मेजर इश्यू नहीं होने वाला है। ओके, रेडी, फाइन, डरो मत।